जिंदगी मुकम्मल है न रास्ता तय होगा कि आपने फरमाया फरमायादीर खुम के मौका पर जब भाई से वापस तशरीफ ला रहे थे कि मैं तुम में दो बड़ी भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं अगर उनको मजबूती से पकड़ के रखोगे तो कभी गुमराह नहीं हो और मुझसे आ मिलोगे खुलासा के तौर पर एक मेरी किताब और एक मेरे अहल बैत तो हमने कुरान के साथ भी ना इंसाफी की है और अहले बैत के साथ भी ना इंसाफी की है दर्द से कह रहा हूँ ये बात मैं फिर वारीत से बाला तर होकर ये बात कर रहा हूँ कि हमें अगर उनके घराने से प्यार नहीं है तो वो क्या ईमान है और कैसा ईमान है तो अल्लाह उसके रसूल ने जो मोहब्बत की निशानी बताई है वो भी मैंने बता दी और जो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि तीन काम अपने औलाद को सिखाओ कुरान मेरी मोहब्बत मेरे अहल बैत की मोहब्बत तो ओ भाई हम अपने मुल्क के लिए भी एक अच्छे पाकिस्तानी बने सच बोल के दयानदारी मोहब्बत ईसार वफा सही तोलना सही बोलना और माँ बाप की खिदमत बीवी के साथ अच्छा सलूक औलाद के साथ मोहब्बत ये सारे वो चैप्टर हैं जो इस वक्त बिल्कुल अधूरे पड़े हुए हैं और सिर्फ नमाज पढ़ लाना और हज उमरे पे जोर लगा देना बहुत अच्छी बात है मैं किसी नेकी की कदर नहीं घटाना चाहता लेकिन और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा इस्लाम तो एक जिंदगी है ये तो चंद चंद मु, मुख्तर इबादत पूरी जिंदगी पर तो नहीं है ना इसलिए मेरी फरियाद सुनो अल्लाह के वास्ते से भी कहता हूं खतीबों से भी कहता हूं अपना मसलक पेश न करो इस्लाम पेश करो इस्लाम ऐसी खूबसूरत जिंदगी है कि इसका खरीदार आपको हर इंसान बनेगा आप सुन लेंगे तो आपका एहसान होगा अब कर लेंगे तो आपकी दुनिया भी बनेगी आखरत भी बनेगी वरना फकीराना आए सदा कर चले मिया खुश रहो हम दुआ कर चले वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए व वरहमत व बरकातहू